गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ रवि मिश्रा और आपके सामने आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के मैप्स एंड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैप्स होते हैं वो हमको इजीली किसी भी जगह के लोकेशन के बारे में बताते हैं और ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं कि किसी जगह का लोकेशन कहाँ पर स्थित है और इस जगह से इसकी दूरी कितनी है, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ जाने क्या मीडियम हो सकते हैं, क्या मोड हो सकता है, कैसे जाएंगे, डिस्टेंस के बारे में, एक्चुअली डिस्टेंस, एक्यूरेट डिस्टेंस का होता है। और इवन मैप हमको छोटी से छोटी जगह के बारे में जानकारी देता है, स्मॉलेस्ट प्लेस के बारे में जानकारी देता है, किसी शहर के बारे में, किसी गांव के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी मंडल के बारे में, किसी प्रदेश के बारे में, किसी देश के बारे में, इवन दुनिया के बारे में। मैप जो हमको सुविधाजनक तरीके से किसी भी जगह के बारे में हमको जानकारी देता है। तो मैप्स के हमने काइंड बताया आपको कि मैप जो है मेनली जो है तीन टाइप्स के होते हैं, पहला होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप, फिर होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है, उसमें उस मैप के माध्यम से हमको मेनली कुछ जानकारी ऐसी मिलती है जो इन मैप में नहीं होता है, उसको अलग मैप में बताया गया, प्लस में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थीमेटिक मैप में हमको पता चलता है कि किस जगह पर कौन से क्रॉप्स होते हैं, किसी जगह का, किसी शहर का क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन रेशियो क्या है, साथ ही साथ किसी जगह पे कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है, कौन से उद्योग होते हैं वहाँ पे, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, सॉइल कैसी वहाँ की है, वहाँ नेचुरल रिसोर्स कैसे पाए जाते हैं, वहाँ फॉरेस्ट कैसा है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है, इन सभी एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो थीमेटिक मैप होती है, हालांकि उसको फिजिकल मैप में जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से मैप हमको हर एक चीज़ छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है। अब मैप देखने के लिए, मैप जानने के लिए कुछ उसके लैंग्वेज हैं, कुछ उसके तरीके हैं। सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन जानना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि डायरेक्शन देखने के लिए आप अपने आप को ही डायरेक्शन का तरीका मानिए। सिंपल में अपने सर की ओर के हिस्से को आप नॉर्थ मानिए, क्योंकि ऊपर जो है नॉर्थ होता है, और नीचे पैर के हिस्से को आप साउथ समझिए। अगर आप सामने से ऐसे फेस कर रहे हैं तो आपका जो ये आपका राइट हैंड होगा, राइट जो हैंड होगा वो आपका जो होगा वह हो जाएगा वेस्ट, और लेफ्ट हैंड हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे देखेंगे तो आपका ये इस तरह का आपका जो ये राइट हैंड हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अपने आप को अगर समझना हो तो सामने तरीके से देख लीजिए, ऊपर मैंने बनाया है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ऐसे मुख्य रूप से चार डायरेक्शन होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं हमको कि वास्तव में ये कौन सा डायरेक्शन है। उसमें भी चार और डायरेक्शन होते हैं जो सब डायरेक्शन में कहा जाता है, इनको हम एनी का कहता है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट की जो जगह होती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारा जो प्रदेश है, यानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश या फिर जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं जैसे मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, वो ऐसे राज्य जो रहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। उत्तर पूर्व ईस्ट और साउथ के बीच में जो हिस्सा है इसे साउथ ईस्ट कहते हैं, और साउथ और वेस्ट की जो हिस्सा है साउथ वेस्ट कहते हैं। जैसे साउथ वेस्ट में जो राज्य आते हैं, भारत प्रदेश की बात करें तो साउथ वेस्ट में आते हैं कर्नाटका आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, ये सब राज्य आते हैं। वेस्ट में आप देख रहे हैं वेस्ट जो है गुजरात और राजस्थान होता है, ऊपर पड़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट जो है वह डायरेक्शन होता है नॉर्थ और वेस्ट में, जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट कहते हैं उसे। ये मैप जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको जानने के लिए, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताता है किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की जो सीमा है किस क्षेत्र में है, किस डायरेक्शन है, किस दिशा में है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है स्केल। स्केल का अर्थ होता है कि हमें किसी माध्यम से या मैप के माध्यम से पता चल जाता है किसी भी क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना बड़ा है और किसी जगह से वो कितनी दूरी है, साथ ही साथ उस दूरी पर जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है और वो क्या क्या है वहाँ पर, क्या स्थित है। तो इसके लिए कुछ स्केल बनाया गया है, उनको स्केल के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश किया जाता है और एक पैमाना बनाया गया है। अगर सपोज कीजिए कोई बिंदु है, मैप में बना दिया इतना छोटा सा मैप बना दिया, एक बिंदु ए है, ये कोई स्टेट है और बी कोई स्टेट है,
ए और बी के बीच की दूरी हमको पता करनी है, ये दूरी हमको पता करनी है, ज्यादा है नहीं है, तो स्केल पे हम तो इसको निकाल लेंगे। सपोज कीजिए ये आता है, सपोज कीजिए ये आता है 10 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली इसका डिस्टेंस पता चले हमको 100 किलोमीटर है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर ड्रॉ कर नहीं कर सकते हैं। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ये कुछ तरीके हैं मैप्स के स्कोप को समझने के लिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर जानना चाहते हैं किसी इस बिंदु से इस बिंदु की या इस शहर के शहर की दूरी कितनी है, तो उसके लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ तरीके हैं मैप्स के कलर के, वो ये भी जानना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी खास करके अगर आप किसी स्वेलो वाटर यानी किसी भी कम पानी की नदी को देखना चाहते हैं, तो वहाँ लाइट ब्लू का आपको मैप पता चल जाएगा। आप जानते भी हैं कि अर्थ पे 73/4 जो है वो वाटर है, 71% के आसपास, तो ये जो एरिया है 71% का जो एरिया है ये पानी से ढका हुआ है, और पानी से ढके होने की वजह से अंतरिक्ष से हमारा जो ग्रह है वो नील रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो स्वेलो जो वाटर होता है वो लाइट ब्लू दिखाता है, डार्क ब्लू जो होता है वो डीप वाटर यानी गहरा पानी दिखाता है, कोई गहरा नदी है तो डार्क ब्लू दिखाई देगा। ऐसे ग्रीन है तो इसका मतलब लो लैंड है या प्लेन एरिया है, यहाँ पे वहाँ पे लो लैंड एरिया है, ब्राउन प्लेन एरिया है। अगर कहीं आपको ब्राउन दिखाई देता है तो वह एक हायर प्लेन है, ऊंचा स्थान है। डार्क ब्राउन है तो हाईलैंड यानी माउंटेन्स हो सकता है, वहाँ पे हिल्स होते हैं, ऐसा कुछ होते हैं। और एलो है समझ जाइए डेजर्ट है या फिर सर्ब लैंड है। ये कुछ तरीके हैं सिंपल हैं जो हमें बताते हैं कि किसी मैप को कैसे जानना है। आपको ये भी पता है कुछ ऐसे कीवर्ड कुछ मैप्स के इस्तेमाल किया जाते हैं, जैसे आपको बताऊं कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर स्टेट बाउंड्री कर रहे हैं तो बीच में डॉट डॉट रहेगा, वैसे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में ऐसे होता है। ब्रिज के लिए अगर आपको ऐसे साइन दिखाया जाता है तो समझिए ब्रिज है, ये ब्रिज दिखाता है। ऐसे बहुत सारे साइन हैं, अगर आपको कहीं फॉरेस्ट एरिया में दिखाया जाए तो वहाँ पे पेड़ का निशान बना होगा, और चर्च के लिए हमें चर्च का एरिया बना होता है, टेम्पल्स के लिए टेम्पल्स का बना होता है, रेलवे क्रॉसिंग के लिए आपको ये ऐसे मिलेगा साइन। ऐसे कुछ साइन हैं जो बताते हैं कि किस जगह पे कौन सी स्थित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको आज दी गई हैं। मैप्स को रीड करना, मैप को समझना और उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे आम जनजीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना और जानने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, इससे काफ़ी आप लाभ पाए होंगे। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपना पूरा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।